যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিতাই ভাইয়া বলেছে, বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं और अलग अलग वजह देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में जो आंदोलन किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी असल वजह आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शेख हसीना जाएंगी तो जाएंगी कहां, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उनके वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है किसी भी तरह के राजनीतिक शरण देने से। उनका कहना है कि वो अपने माइग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। फिनलैंड से भी उम्मीद थी तो फिनलैंड ने भी ये कह दिया कि वो राजनीतिक शरण शेख हसीना को नहीं देंगे। भारत में शेख हसीना ज्यादा समय तक रह नहीं सकती क्योंकि यहां पर भी हालात पर जो है काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक यूरोप से शेख हसीना को उम्मीद है और शेख हसीना कहा जा रहा है कि यूरोप जा सकती है, लेकिन वहां से भी अभी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र जो है अचानक से उग्र हो जाते हैं और पीएम आवास में रखी हुई चीजों को एक्सपोज करने लगते हैं, चाहे वो शेख हसीना की साड़ी ही क्यों ना हो, उनका ब्लाउज ही क्यों ना हो, या फिर शेख हसीना जिस कमरे में रहती थी वहां पर रखी हुई छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो। एक्सपोज तो कर ही रहे हैं लेकिन लूट भी मची हुई है, कई जगह पर आगजनी भी की जा रही है, कई बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पहले बार में अगर देखा जाए तो यही जानकारी मिली कि कुछ छात्र जो हैं वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे, उनकी कुछ मांगे थी और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को पहले ही कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन उग्र होगा और मुश्किल की घड़ी आ सकती है। 4 अगस्त से मामला शांत था, ठंडा पड़ा हुआ था, ज्यादा कुछ गतिविधियां नहीं हुई। 5 अगस्त को धीरे धीरे भनक लगी कि आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है, मांगों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। हालांकि जब 6 अगस्त को अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर अब जवाब नहीं आया तो फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और 45 मिनट का वक्त आपके पास है, प्रोटोकॉल के हिसाब से 45 मिनट में वहां के प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो आखिर करेंगे क्या। जब नहीं कुछ भी होता तो उस 45 मिनट में शेख हसीना ने सोचा कि बांग्लादेश को छोड़ना ही बेहतर होगा। और ऐसे में उस 45 मिनट में बांग्लादेश में शेख हसीना जहां पर रह रही थी उनके हाथ जो कुछ भी लगा, 15 साल से रह रही प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जो कुछ भी लगा वो लेकर वो भारत आ गई। भारत में वो इस वक्त मौजूद है लेकिन भारत से वो कहां जाएंगी ये बड़ा सवाल है। अब आरक्षण के खिलाफ क्या ये छात्र थे वाकई में, क्या आपको लगता है? क्योंकि अगर आरक्षण, जिस आरक्षण का हवाला ये छात्र देते नजर आ रहे हैं, उस आरक्षण को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बड़े फैसले लिए। कौन सा आरक्षण, कैसा आरक्षण? बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के परिवार को जो आरक्षण मिल रहा था उसको हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अगर ये आरक्षण की ही मांग थी, ये उसकी ही लड़ाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण को खत्म कर दिया था तभी आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी 5 अगस्त यानी कि सोमवार को ढाका के लिए लॉन्ग मार्च का कॉल दिया गया। कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को जमाते इस्लामी ने हाईजैक कर लिया था। जमाते इस्लामी एक ऐसा संगठन है जिस पर ISI पूरा काबू रखता है और वो प्रतिबंधित है बांग्लादेश में। जमाते इस्लामी के नेताओं की मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से कई बार हो चुकी है। अब क्या ये मिलीभगत है इनकी, ये भी सवाल है। जमाते इस्लामी अपने गठन से ही कट्टर इस्लामिक देश का समर्थक रहा है और इसीलिए उसे शेख हसीना की सेक्युलर सोच की सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो क्या इसी का हाथ है इसमें?
जमाते इस्लामी की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल अला मौदूदी ने इस्लामी विजय और दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने के एजेंडे के साथ की थी। तो जमाते इस्लामी क्या है ये तो आप समझ गए। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक गजट अधिसूचना के जरिए जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन शिबिर को कट्टर इस्लामिक संगठन बताकर बैन कर दिया था। जमाते इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम भी लगाए गए थे और उस पर पाकिस्तान से जुड़े होने का भी आरोप लगाया गया था। जमाते इस्लामी पर बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में पाकिस्तान का साथ देने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद आजाद बांग्लादेश के, उनका नाम भी आपको बता देते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने जमाते इस्लामी पर बैन लगा दिया। हालांकि मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद तानाशाह जियाउर रहमान ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया, जिसके बाद जमाते इस्लामी और जियाउर रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक साथ एक रणनीति पर काम करने लगी थी। खबरों के मुताबिक आंदोलन में भी बीएनपी के नेता और जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान ने जमाते इस्लामी की मदद से ही पाकिस्तान से संपर्क किया था। तो कनेक्शन कहां से कहां जुड़ा हुआ है इसको ध्यान से समझिए। जो साजिश बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ रची गई वो हो सकता है कि बांग्लादेश के हिसाब से हम इसे इग्नोर कर दें, लेकिन क्या ये मॉडल देश में लागू नहीं हो सकता है? हालांकि हमारे देश में जितने भी आंदोलन आज तक हुए हैं वो बड़े ही शांतिपूर्वक हुए हैं, लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और बांग्लादेश जैसी स्थितियां तो यहां पर हो ही नहीं सकती क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया की जो विचारधारा है वो बहुत ही ज्यादा सराही जाती है बाहरी देशों में भी। आजकल जो सोशल मीडिया पर भी वीडियोज हम देख रहे हैं बांग्लादेश के, उससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, भारत से जुड़े जितने भी पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, यहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सेना और जनता के बीच में युद्ध होने लगा था। इसके अलावा अफगानिस्तान के भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच का जो तस्वीर हमने देखा वो उपद्रव मचा दिया था उन्होंने वहां पर भी। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति आवास में जिस तरीके से तबाही हमने देखी, देश छोड़कर जाना पड़ गया था राष्ट्रपति को, तो इस तरह के हालात श्रीलंका में दिखाई दिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं अगर वहां पर इस तरह के हालात हैं तो वो भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। साथ ही बांग्लादेश से भी अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, उनके लिए ये सेफ नहीं है बिल्कुल भी। अब वजह क्या है इस पूरे प्रदर्शन की ये तो आपने समझ लिया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई, ये आंदोलन तभी रुक सकती है जब जल्द से जल्द किसी सरकार को यहां पर जो है नियुक्त किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि यूनस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको यहां का जो है सरकार का पूरा जिम्मा दिया जा सकता है, लेकिन अभी वो पेरिस में है। जैसे ही वो पेरिस से लौटेंगे तो वैसे ही वो बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में लेंगे, तो शायद ही बांग्लादेश के हालात में कुछ सुधार जरूर आए, इसकी उम्मीद की जा रही है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है और आपको क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है, जरूर हमें कमेंट कर बताएं। आप अपने विचार रखें, अपने राय साझा करें हमारे साथ, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।